जैसे जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे नई नई टेक्नोलॉजी आती जा रही है। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ 2021 की टॉप 10 टेक्नोलॉजीज के बारे में, जिसको आपको जरूर लर्न करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। 10th पोजीशन पे है हमारे डेवऑप्स टेक्नोलॉजी, जो कि दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और दूसरा है ऑपरेशन। डेवऑप्स एक टीम को किसी एप्लीकेशन के डेवलपमेंट से लेकर टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट, ऑपरेशन, पूरी लाइफ साइकिल को हैंडल करने की अनुमति देता है। इसके एडवांटेजेस की मैं बात करूं तो इसके अंदर जो भी एप्लीकेशन डेवलप किए जाते हैं काफ़ी फास्ट डेवलप किए जाते हैं, डिफेक्ट करेक्शन प्रोवाइड करता है और रिड्यूस रिस्क ऑफ चेंजेस होते हैं। 9th पोजिशन पे हमारी क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दोस्तों, जो कि आपके मैसेजेस को अनऑथराइज्ड एक्सेस से प्रिवेंट करती है। ये क्या काम करता है, यदि आप कोई मैसेज अपने दोस्त के यहाँ सेंड करना चाहते हो तो क्रिप्टोग्राफी टेक्नोलॉजी क्या करती है, उस मैसेज को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट कर देती है जो कि आपके सिस्टम और जो आपका दोस्त के सिस्टम है उन्हीं दोनों को बीच में समझ में आएगा और बीच में उसे कोई एक्सेस नहीं कर पाता है। और इसके एडवांटेजेस की मैं बात करूं तो काफ़ी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, इंटीग्रिटी को मेंटेन करके रखते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं हमारे प्राइवेसी को। 8th पोजिशन पर हमारी डार्क टेक्नोलॉजी। डार्क मोटे तौर पर डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के रूप में जाना जाता है, जिसमें AI, ब्लॉकचेन, DLT, एक्सटेंडेड रियलिटी, क्वांटम कंप्यूटिंग शामिल है। एक बंडल में इन टेक्नोलॉजीज को डार्क कहा जाता है। इसके एडवांटेजेस की मैं बात करूं तो काफ़ी इसकी स्पीड काफ़ी हाई होती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं, बैकअप एंड रिस्टोर की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। 7th पोजिशन पे है हमारी क्वांटम कंप्यूटिंग। क्वांटम कंप्यूटिंग क्वांटम फिजिक्स पर आधारित है। क्वांटम कंप्यूटर आजकल के कंप्यूटर से बिल्कुल ही अलग होते हैं। डेटा को स्टोर करने के लिए क्वांटम कंप्यूटिंग क्यूबिट्स और क्वांटम बिट्स का प्रयोग करते हैं, जो एक साथ 0, 1 और दोनों सिमल्टेनियसली डेटा को स्टोर कर सकते हैं। इसके एडवांटेजेस की मैं बात करूं तो काफ़ी फास्टर कंप्यूटेशन करते हैं, हाई प्रायोरिटी होती है, रिड्यूस पावर ऑफ कंजप्शन होते हैं। 6th पोजिशन पर है हमारी साइबर सिक्योरिटी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी हमारे डेटा, नेटवर्क्स, कंप्यूटर्स और प्रोग्राम्स को अनऑथराइज्ड एक्सेस या अटैक से प्रिवेंट करते हैं। जैसे यदि किसी कोई वायरस हुआ या मेलवेयर हुआ, इन सभी से प्रिवेंट करने के लिए हमारे साइबर सिक्योरिटी होते हैं। इसके एडवांटेजेस की मैं बात करूँ तो काफ़ी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम वायरसेस से प्रोटेक्ट करते हैं हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन को और ब्लॉक करते हैं फ्रॉड ईमेल्स को। 5th पोजिशन पे हमारी एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क है। एज कंप्यूटिंग एक नई टेक्नोलॉजी है जो न केवल हमारे समय की बचत करेगी बल्कि सर्विसिंग और अन्य चार्जेस की भी बचत करेगी। ये टेक्नोलॉजी 5G टेक्नोलॉजी आने के बाद आएगी, क्योंकि एज कंप्यूटिंग रियल टाइम एप्लीकेशन पर काम करती है। इसके एडवांटेजेस की मैं बात करूँ तो इसकी स्पीड और लेटेंसी काफ़ी फास्ट होगी, सिक्योरिटी काफ़ी प्रोवाइड करेगी और कॉस्ट को सेव करेगी। 4th पोजिशन पे हमारी ब्लॉकचेन। ब्लॉकचेन एक चेन ऑफ ब्लॉक्स है जो कि अपने अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखती है। ब्लॉकचेन के माध्यम से आप बिना किसी थर्ड पार्टी जैसे गवर्नमेंट, बैंक के सहायता के बिना आप मनी, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स को सिक्योर तरीके से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकेंगे। ब्लॉकचेन बिटकॉइन के पीछे की एक टेक्निक है। इसके एडवांटेजेस की मैं बात करूं तो इसके अंदर जो भी डेटा स्टोर होता है वो डिसेंट्रलाइज्ड प्लेस पे होता है। ब्लॉकचेन एक ट्रांसपेरेंट टेक्नोलॉजी है। ब्लॉकचेन ज़्यादा सिक्योर है बाकी अदर टेक्नोलॉजीज से। 3rd पोजिशन पे है हमारी क्लाउड कंप्यूटिंग। क्लाउड कंप्यूटिंग हमें क्लाउड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जैसे सर्वर, स्टोरेज, नेटवर्किंग, सॉफ्टवेयर इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। आप किसी भी सॉफ्टवेयर को रिमोटली एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। आपको अपने सिस्टम में उसे इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन उसे एक्सेस कर पाते हैं क्योंकि वहाँ काम आता है हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग। इसके एडवांटेजेस की मैं बात करूँ तो काफ़ी हमारे कॉस्ट को सेव करता है, काफ़ी स्पीड हाई प्रोवाइड करता है और बैकअप एंड रीस्टोर की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। 2nd पोजीशन पे हमारे DLT डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी के अंदर जो हमारा डेटा होता है वो एक जगह न स्टोर होकर अलग अलग जगह स्टोर होता है। इसका मतलब कि आपका डेटा सेंट्रलाइज प्लेस पे एक जगह न स्टोर होकर डिसेंट्रलाइज प्लेस पे स्टोर होता है। जैसे बैंकों में आप एक बैंक के किसी भी ब्रांच से मनी निकाल सकते हैं बिकॉज ऑफ DLT। ये सब DLT के कारण हुआ है।
इसके एडवांटेजेस की मैं बात करूं तो काफी सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, कॉस्ट सेविंग प्रोवाइड करता है, डबल लेयर ऑफ प्रोटेक्शंस प्रोवाइड करता है। फर्स्ट पोजीशन पे हमारी एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई ह्यूमन एक्टिविटी का एक मशीन बिहेवियर कॉपी है, जो कि ह्यूमन की तरह प्लानिंग कर सके, लर्न कर सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, इसलिए बनाया गया। एआई कंप्यूटर और मशीन को ह्यूमन माइंड की तरह सीखने, समस्या को सुलझाने और निर्णय लेने के सक्षम बनाते हैं। इसके एडवांटेजेस की मैं बात करूं तो एआई काफ़ी डिसीजन फास्ट ले सकते हैं, एक बड़े से बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अंदर जीरो ह्यूमन एरर्स और जीरो रिस्क हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना।